ऊपर का रास्ता है, और ऊपर के रास्ते से वो ऊपर जाते हैं तो दो झरोके ये पड़ते हैं। देखिए एक तो ये है, मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई कभी, यहाँ ये कमजोर हो रहा और वजन से गिर जाए। ये देखिए ये पतली सी ऐसे नैरो सी गली है, और ये दीवारें देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शानजर खान और मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी इमारत पे जो अब से 500 साल पुरानी एक इमारत है, एक जगह है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारे देश का बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। ये देखिए मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ, और अभी पहले हम उसके अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको उसके अंदर जाके बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है और क्या है। तो चलिए पहले चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं वो जगह कैसी है। दोस्तों अब आ गए हैं हम इस मस्जिद के अंदर। ये जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया, ये एक मस्जिद का गेट था, और ये मस्जिद जो है ये 500 साल पुरानी मस्जिद है, और ये सिकंदर लोधी के टाइम की बनी हुई मस्जिद है। इस मस्जिद को सिकंदर लोधी के वजीर ने बनवाया था, और इस मस्जिद का नाम है मोट मस्जिद। और इस मस्जिद को मोट मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिकंदर लोधी ने खुद अपने वजीर को उस टाइम पर कुछ दाल के बीज दिए थे, और वो दाल के बीज की जो फसल बनी थी, जो उगी थी, उनके वजीर ने उसको अपने बगीचे में बोया उन बीजों को। उसके बाद वो फिर बीज बहुत सारे हो गए तो उनकी खेती की गई। उस खेती के पैसे से जो पैसा आया, उस पैसे से उनके वजीर ने इस मस्जिद की तामीर की थी जिसके अंदर हम खड़े हैं, मोट मस्जिद। इसकी तामीर की गई तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा मोट मस्जिद। मोट मस्जिद मतलब दाल वाली मस्जिद। तभी मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखाने वाला हूँ, अंदर से पूरा हिस्सा इसका दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ ये कैसी बनी हुई है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ इस मस्जिद के अंदर और दिखाता हूँ ये मस्जिद कैसे बनी हुई है। आ जाइए, ये देखिए ये कितनी ऊंची मस्जिद है, कितनी ऊंची गुंबद है इसकी। देखिए कितनी ऊंची गुंबद है, आप इसमें और से देखोगे तो आपको इसके अंदर कलमे भी नज़र आएंगे। इसके अंदर जो फूल है उसमें कलमे नज़र आएंगे। और ये देखिए ये जगह है इमाम साहब वाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। ये इमाम साहब वाली जगह है, यहाँ पर लोग दिए जलाने लगे हैं। देखिए दिए जला रहे हैं लोग, बताशे भी रखे हैं और खीले भी रखी हैं, साफ सफाई भी इसकी है। ये मुस्लिम बस्ती में नहीं आती असल में, ये पूरी हिंदू बस्ती हो चुकी है। तो इसकी जो है यहीं के लोग, जो लोकल लोग हैं वही देखभाल करते हैं, वही सफाई साफ सफाई करते हैं जितनी भी है। देखिए साफ सफाई की हुई है, वैसे कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है लोगों ने। अभी देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्थर हैं, और ये देखिए ये पत्थर लगे हुए हैं पूरे ना, पूरे पूरे पत्थरों से बनी हुई है। और अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसका, इतनी खूबसूरत है ना ये, 500 साल के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही बड़ी मस्जिद है। ये देखिए आप, अब सामने वाले फूल भी देखोगे ना, आज तक ऐसे ही हैं। और ये जो है ना, ये पीले पत्थरों से बनी हुई है, पहाड़ी पत्थरों से, जो दिल्ली में भी उगते थे, और संगमरमर लाल बलुआ पत्थर इसमें यूज हुए हैं सारे में, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसका ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, अभी मैं इसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको, और ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसी लगती है मस्जिद और ऊपर से कैसा नज़ारा है। तो चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस मस्जिद के ऊपर, ये ऊपर का रास्ता है,
और ऊपर के रास्ते से ऊपर जाते हैं तो दो झरोके ये पड़ते हैं। देखिए एक तो ये है, मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई कभी, यहाँ ये कमजोर हो रहा और वजन से गिर जाए, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया गुंबद है। और अब देखिए ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के रास्ते में एक ये जगह है सामने, ये जो सीढ़ियां हैं ये वाली ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। और ये सामने एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे गुंबद बनी हुई है जो बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखिए ये पूरा एक गुंबद बना हुआ है, पीछे पूरी बस्ती है। और ये देखिए कितना छोटा सा है, ये ऐसा है जैसे सिक्योरिटी पर्पज के लोग खड़े होते हों, पहले सिपाही वगैरह खड़े होते होंगे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे या फिर अजान दी जाती होगी, यहाँ से जो शोर सुनाई देता होगा पूरी बस्ती को आवाज़ सुनाई देती होगी अजान की, इस तरह से होगा। ये देखिए पूरी बस्ती है, हम मस्जिद से कितना बाहर है, बहुत ही प्यारी गोल गुंबद है ये। तो अब चलते हैं इसके ऊपर, ये देखिए ऊपर का रास्ता है यहाँ से, ये है ऊपर का रास्ता, आ गए हम इसके ऊपर। तो दोस्तों अब आ गए हम इस मस्जिद की छत पर, ये ऊपर वाला छत का हिस्सा है। आप देखिए ये नीचे पूरी गुंबद बनी हुई है नीचे की तरफ से, और यहाँ पे इसका एंड है। ये मस्जिद ऐसी लगती है जैसे किले की तरह बनाई गई हो, ये सामने बस्ती है, और ये ऐसा लगता है जैसे उस टाइम पर सिपाही खड़े होते हो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। ये बिल्कुल किले नुमा दीवारें हैं इस मस्जिद की बनी हुई। अब हम चलते हैं इस साइड में जो मस्जिद की दूसरे वाला इलाका है छत का, ये देखते हैं। ये देखिए ये पतली सी ऐसे नैरो सी गली है, और ये दीवारें देखिए, और आप गुंबद देखिए इसकी, ये बीच वाली गुंबद है जो मस्जिद के नीचे मैंने आपको दिखाई थी, ये पूरी नीचे वाली मस्जिद है, ये पूरी नीचे वाली गुंबद है, देखिए कितनी बड़ी गुंबद है। और ये जो है ना लोदी के टाइम की बनी हुई है ना, तो इसलिए लोदी के टाइम में जो थी बहुत बड़ी बड़ी गुंबदें हुआ करती थी, गुंबद ही उनकी पहचान थी कि वो बहुत बड़ी गुंबद बनाया करते थे। मुगल टाइम पर इतनी बड़ी गुंबद नहीं बनती थी, लोदी के टाइम पर बनती थी, और लोदी का टाइम जो था वो मुगलों से पहले आया था। अब ये देखिए मीनारें हैं इनकी, ये देखिए पूरी जगह, इसकी साफ सफाई नहीं है क्योंकि अब इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख नहीं रहा है, इसलिए साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, बहुत गंदगी है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है जगह। लेकिन ये 500 साल पुराना मोन्यूमेंट्स है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, बहुत ही मजबूत खड़ी हुई है आज भी। अब ये देखिए ये सारी इसकी गुंबदें हैं लाइन से, फिर एक जीना इधर से चला जाता है, एक सीढ़ियाँ जीना इधर से जाता है नीचे। ये देखिए ये पूरी गुंबद है, यहाँ पर जीना है, ये देखिए बाहर का रास्ता है, पूरी बस्ती में आ चुकी है। जिसका जो एतराफ़ होगा ना मस्जिद का, जो जगह होगी वो पूरी घिर चुकी होगी अब, जो 500 साल से अब तक कैसे कैसे ख़त्म हो गई जगहों का पता ही नहीं है, लेकिन ये जगह भी हिस्टोरिकल पैलेस है, ये बचा हुआ है। और बहुत ही खूबसूरती बनी हुई है मस्जिद, आप देखो कितनी मजबूत है आज भी, छत देख लीजिए आप, 500 ईयर ओल्ड हो गई है। ये इसका मेन गुंबद है, देखिए कितना ऊँचा है मेन गुंबद, और दीवारों की मोटाई देखिए आप, लोग कितनी कितनी चौड़ी दीवार है यहाँ से। ये नीचे मेन गेट है ना इसके, ये संगे मरमर लाल वाला पत्थर लगे हुए हैं नीचे की साइड में, तो ये इसकी दीवार है, देखिए कितना कितनी चौड़ाई है इस दीवार की। और देखिए इसमें एक और जगह है साइड से, जब आओगे ना साइड के अंदर मस्जिद की साइड के अंदर जगह है रोशनी के लिए और हवा आने के लिए, और प्लस मुझे लगता है ये सिक्योरिटी के लिए भी, पहरे के लिए भी है। ये देखिए ये जगह आती है, अरे बिल्कुल नीचे की साइड है, ऊपर मैंने दिखाई आपको, और ये देखिए ये देखिए ये भी ऐसे ही पूरी बस्ती दिख रही है, नीचे देखिए आप, और ऊपर देखिए छोटी सी छतरी बनी हुई है इसमें। और ये आ जाते हैं हम फिर इधर से घूमते हैं, तो फिर से इस मस्जिद के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए इधर से पूरी मस्जिद है, देखिए दोस्तों ये छतरियां हैं जो दोनों कोने पर खड़ी होंगी, अभी तो एक ही रह गई है साइड में, और एक ये वाली साइड है इसकी बाहर से देखोगे तो, वो जो आप सामने कॉर्नर देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छतरी होगी इस पेड़ के पीछे, इस पेड़ की गुंबद है जो टूट गई है इसके पीछे। तो दोस्तों ये थी मोठ वाली मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई, ये 500 ईयर ओल्ड है ये जो मस्जिद है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी एक अच्छी सी वीडियो में, अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखना।